क्या सच में आरआरबी और आरआरसी को बंद करने का जो प्रस्ताव आप लोगों ने पेपर में देखा है, क्या वो बात सच होने वाली है? क्या वाकई में आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरसी को बंद किया जाएगा? तो इसी के चलते हुए एक पीडीएफ मेरे हाथ लगी है जो मैं आपको आज पाठशाला रेलवे एग्जाम में पूरी टीम की तरफ से आपको प्रदर्शित करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि ये जो ऑफिशियली बात पेपर में आ रही थी, कई दिनों से आपने देखा होगा कई पेपर्स में, न्यूज़पेपर में ये खबर लगातार आ रही थी कि प्रयागराज समेत देश की, प्रयागराज मतलब जो उत्तर प्रदेश का जोनल ऑफिस है, प्रयागराज समेत देश की सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव। और इसी के साथ साथ एक ये भी न्यूज थी जो आप देख पा रहे हैं, वाराणसी में, वाराणसी की न्यूज है और ये न्यूज की डेट भी आप देख सकते हैं कि इसमें डेट दी है 23 सितंबर 2021 की। 23 सितंबर 2021 को ये जो बात पेपर में आई थी, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी बात को जानेंगे। तो एक बेहतरीन चीज हाथ लगी है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि ये बात सच होने वाली है। और अगर आरआरबी और आरआरसी बंद हो जाती हैं तो अब रेलवे के एग्जाम कराने की जिम्मेदारी किस टेस्टिंग एजेंसी पर आएगी, कौन सी संस्था ऐसी होगी भारत सरकार की जो कि अब रेलवे के एग्जाम कराएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानते हैं। जी हाँ, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद इस बात की कि मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। तो चलिए उस पीडीएफ को देख लेते हैं और समझ लेते हैं जिसमें इन बातों का हिसाब लिखा गया है, तो आप समझिएगा। देखिए, ये एक पीडीएफ हाथ लगी है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कैबिनेट सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय राष्ट्रपति भवन में 9/9/2021 को, 9 सितंबर 2021 को इस बात की घोषणा की गई है कि आरआरबी और आरआरसी बंद की जाएंगी, इन बॉडीज का ऑटोनोमस, उसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा, इनको खत्म किया जाएगा। और इनको खत्म करने के बाद किस टेस्टिंग एजेंसी पे जिम्मेदारी आएगी कि वो रेलवे के एग्जाम को कंडक्ट कराए, तो चलिए इस पर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, निरंजन सी चंद्रशेखर जी ने ये कुछ बातें एक एमओआर के तहत गवर्नमेंट बॉडीज को, जो कि प्रपोजल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि रेलवे मंत्रालय का एक प्रपोजल है गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, क्या प्रपोजल है, जिसमें संजीव सान्याल प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं शामिल, ये इसका वॉल्यूम 2 है। तो यहां पर कुछ चीजें मैं आपके लिए लेके आता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कह रहा है रेशनलाइजेशन रेलवे स्कूल, यानी कि इंडियन रेलवे प्रेजेंटली रन्स 94 स्कूल प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, जितने भी रेलवे के एम्प्लॉयज हैं उन रेलवे एम्प्लॉयज को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रेलवे ने 94 स्कूल जो है, 94 स्कूल्स इनका जो है ये संचालित किए जाते हैं, 94 स्कूल्स, 94 स्कूल हैं जिनमें रेलवे के लोगों के द्वारा, रेलवे के सभी एम्प्लॉयज के बच्चे वहां पर क्या होते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। अगर आप देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ द नॉन रेलवे वर्ड्स एनरोल 34,277, जिसमें लगभग अगर आप इस पूरे उसको पढ़ेंगे तो 34,270 लोगों को शिक्षा दी जाती है। और ये कह रहे हैं रेशनलाइजेशन रेलवे स्कूल, यानी रेलवे स्कूल्स का भी रेशनलाइजेशन होगा, इनको भी बंद करने पर, यानी इनको भी बंद करने के लिए एक प्रपोजल भेजा जा चुका है। ये निजीकरण के लिए जो सरकार कदम उठा रही, उस कदम का पहला स्टेप ये दिखाई दे रहा है। चलिए, जो मेन मुद्दे की बात है मैं उसको आपके सामने लेकर आता हूं। यहां पर देखिए, पार्ट बी में आपको दिख रहा होगा वेयर केबीएस डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू रन द रेलवेज स्कूल। अब रेलवे के जितने भी स्कूल थे जिनको बंद करने की बात की गई थी, उसको किसको दिया जाएगा, उसको केबीएस को दिया जाएगा, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिया जाएगा। और अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS does not have the capacity to run the railways school, अगर वो भी इसको नहीं करा पाएगी तो it handed over to the respective state government, तो ये उस राज्य की सरकार को handover किए जाएंगे। मुद्दे की बातें हम लोग चलते चलेंगे, देखते चलेंगे। अपग्रेडिंग रेलवे हॉस्पिटल एंड द डिजिटाइजिंग हेल्थ डेटा, इसमें ये बात कही गई है कि जितने भी रेलवे के हॉस्पिटल हैं उनको क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। अपडेट करने का मतलब ये होगा जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय थे उन रेलवे के एम्प्लॉयज और उनके परिवार के देख लेख के लिए रेलवे मंत्रालय की तरफ से हॉस्पिटल बनाए गए थे जिसमें सिर्फ उन्हीं का इलाज होता है, रेलवे के एम्प्लॉयज के और उनके परिवारजनों का ही इलाज होता था। लेकिन अब ये बात थोड़ी सी अच्छी की गई है कि अब उसमें जो इलाज होगा वो किसी भी आम व्यक्ति का हो सकता है। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रपोजल फॉर द सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CTIs, जरा पढ़ लेते हैं इसको, समझिएगा।
द इंडियन रेलवे हैज द नेशन वाइड वर्क नेटवर्क ऑफ 7 सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि नेशन वाइड है, 7 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, CTIs एंड नेमली उसके नाम ये नीचे दिए गए हैं कहाँ कहाँ है, मैकेनिकल जितने भी ट्रेनिंग है। अब जरा बात करते हैं, कह रहा है NRTI मेड अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, जो मेन मुद्दे की बात है जिस पर RRB और RRC जो आपके लिए मेन मुद्दे की बात है, मैं सीधे उस पर पहुंच रहा हूं और उसको आपको दिखा रहा हूं कि क्या बात कही गई है। हाँ अच्छा, इस चीज को भी जरा समझ लीजिए, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ZRTI, मतलब जब आप सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग पर जाते हैं तो वो ZRTI होता है। अभी तक देश में 17 जोन में 130 ZRTI काम कर रही थी, ये पहले कितनी 280 हुआ करती थी, 280 को मर्ज करके 130 किया गया, अब इनको भी खत्म करने की बात हो रही है। आप आगे पढ़ेंगे, इनको भी खत्म करने की बात हो रही है। रिकमेंडेड द फॉलोइंग, नीचे चीजें को और आते हैं। एक संस्था होती थी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL और इरकॉन, यानी कि ये दो बॉडीज थी, अब इनको भी सम्मर्ज करके एक सिंगल ऑटोनोमस बॉडी में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। यानी रेलवे हर तरह से निजीकरण पर उतारू होती जा रही है, रेलवे मंत्रालय। मेन मुद्दे की बात जो है वह और आगे आती जा रही है, जरा ध्यान से समझिएगा। पार्ट 7 जो है वो इसके लिए बना है, रेलवे प्रोडक्शन के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, मैं बात कर रहा हूं पार्ट 7। जी हाँ, इसको पढ़िए, ये है मेन मुद्दे की बात। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRCB, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में। इसको अगर ये देखा जाए तो इसमें एक आया है, वर्किंग द वेरियस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अंडर एट प्रेजेंट द 21 फंक्शनरीज RRBs। पूरे देश में अभी भी 21 RRB और 16 RRC काम कर रही है, जिनको खत्म करने के प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि इनको खत्म करके इनकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी कि इनके ऊपर जो आएगा वो NTA एपेक्स अथॉरिटी के रूप में काम करेगा। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके विषय में मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के विषय में, ठीक है, और पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो 21 RRB का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द NTAs, यानी कि ये सभी NTA के अंतर्गत काम करेंगे। अब अगर NTA के अंतर्गत काम करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, सभी बच्चों का जिन्होंने RRB और RRC के फॉर्म भरे हैं, क्या अब पेपर और देरी से होने की संभावना है या पेपर कुछ पहले होगा। खैर, ये जो भी होगा, सबसे पहली बात तो पढ़ाई नहीं छोड़नी। मेन मुद्दे की बात ये थी कि इसी के लिए मैंने ये आपको PDF लाई थी कि इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए और जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और बताइए कि किस तरह से बच्चों के मानसिक शोषण के लिए, मानसिक शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण तो होता किसी को दिखता नहीं है, लेकिन दिख भी जाता है, लेकिन मानसिक शोषण बच्चों का दिखाई नहीं देता। बच्चों ने वर्ष 2019 फरवरी मार्च में रेलवे का फॉर्म भरा था इस उम्मीद के साथ कि इसका पेपर जल्दी हो जाएगा और जल्दी ही बच्चों को रिक्रूटमेंट लेटर मिल जाएगा ताकि वो अपने अपने फैमिलीज को आगे चल के सपोर्ट कर पाए, लेकिन ईश्वर की माया ऐसी थी कि उस वक्त कोविड पैंडेमिक आ गई। खैर, वो एक अलग बात है, महामारी के बाद भी अब भी आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम नहीं कराया जा रहा। मैंने इस पर एक कल भी वीडियो किया था कि ग्रुप डी के एग्जाम में देरी क्यों हो रही बार बार, इसका कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए जरूर से। और यहाँ पर आज एक जो ये ऑफिशियल तरीके से ये बात पता चल गई है कि RRB और RRC को कहीं ना कहीं बंद किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका एक बुरा असर डिपार्टमेंट में पड़ेगा, जो हो सकता है कि एग्जाम को ट्रांसपेरेंसी के नाम के कराने के नाम पर और भी कुछ मामला गड़बड़ हो जाए। देखिए जो बात साफ है, क्यों, क्योंकि 21 RRB का गठन भी इसीलिए किया गया था कि रेलवे की सभी भर्तियों को पारदर्शिता के साथ कराया जाए, लेकिन ये तो सबको पता है कितनी पारदर्शिता किस भर्ती में होती है, या फिर अगर होती है तो वो एक साल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है फॉर्म आने से लेकर ज्वाइनिंग देने तक का सिलेक्शन प्रोसीजर, उसको 5 साल में कंप्लीट करने वाला हिसाब किताब चल रहा है, इतनी पारदर्शिता है, आप देख पा रहे हैं, ये क्या ही बोला जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं NTA की, कि अगर ये NTA एग्जाम कराता है तो ये NTA एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो समझिएगा कि ये NTA क्या है। NTA मतलब भारत सरकार की एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA का मतलब है NTA, इसका मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
पूरी जानकारी देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, वर्ष 2017 में जब हमारे भारतवर्ष के एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री थी वो थे प्रकाश जावड़ेकर जी, तब इसका गठन हुआ था नवंबर 2017 में। इस एनटीए का गठन तब हुआ था नवंबर 2017 में। नवंबर 2017 से ये कई सारी ये जो बॉडी है यानी कि ये जो संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कई सारे एग्जाम को कराने का बीड़ा उठाती है। जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा कराने का काम करती है एनटीए। जैसे डीयू के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराने का काम करती है, यूजीसी नेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराने का काम करती है, नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराने का काम करती है, जेई जूनियर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कराने का काम करती है। हालांकि ये काम अच्छा कर रही है लेकिन इसका कहीं ना कहीं कुछ विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नई टेस्टिंग एजेंसी को इतने बड़े मंत्रालय इतनी बड़ी संख्या के साथ अगर एग्जाम कराने का बीड़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पास परेशानी होगी होगी। अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एनटीए के पीछे आईआईटी कानपुर है, और कोई भी अगर सिर्फ आईआईटी कानपुर क्या, अगर कोई भी आईआईटी होती तो निश्चित तौर पर उसका काम अच्छा होता है, लेकिन लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को मैनेज करना ये उसी के हाथ में होना चाहिए। किसी भी नई बॉडी को एकदम से काम नहीं देना चाहिए, उसी के हाथ में होना चाहिए जो इस काम को पहले कर चुका है, लेकिन उसको भी स्ट्रिक्टली करना चाहिए। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं सभी बच्चे तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा हाँ, इन सभी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी कि पेपर देर से हो चाहे पहले हो जाए, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 होना था तो लगातार ये हो रहा था कि ये एग्जाम होगा 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 होगा, अब एकदम से पता चला 1 नवंबर को कि 28 नवंबर को एग्जाम होना है। हालांकि आप पढ़ तो बहुत दिन से रहे होगे, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी, केवल रिवीजन का समय है। तो बच्चा, मैं फिर से यही कह रहा हूँ और अपनी हर क्लास में कहता हूँ कि रिवीजन के लिए आपको इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। जितना रिवीजन हो सकता है आप इसी वक्त कर लो, पता नहीं एग्जाम की डेट कब घोषित हो जाए, कितने दिनों के बाद आपका एग्जाम हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम के लिए सभी लोग रेडी रहो, एग्जाम तो होगा ही होगा, भले थोड़ा सा और लेट हो जाए, जब इतने दिन हुआ तब थोड़ा और सही, इंतजार तो करना है ही, ठीक है, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने क्या है कि 27 सितंबर को 27th of September को एक ट्विटर कैंपेन अभियान चला रखा है जिसका जो हैशटैग टाइटल होगा वो टाइटल होगा #RailwayGroupDExamDate #RailwayGroupDExamDate। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन ये है ग्रुप डी एग्जाम डेट यानी कि ग्रुप डी के एग्जाम की डेट जल्दी से जल्दी क्लियर की जाए। तो मेरा सभी से निवेदन ये है, सभी बच्चों से, सभी टीचर्स से, जितने भी लोग हैं ठीक है उनसे मेरा निवेदन ये है कि 27 तारीख को यानी कि परसों इस ट्विटर कैंपेन में अभियान में जरूर हिस्सा लें। हाँ, आपको ये याद रखना है आप एक से ज़्यादा ट्वीट ना करें, क्योंकि उस ट्वीट से बार बार कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि पिछली बार भी बच्चों ने इस पर वो किया था तो काफ़ी सारे 1.5-2 मिलियन लगभग 3 मिलियन ट्वीट्स हो गए थे ना, ठीक है। तो ये आप एक ट्वीट से ज़्यादा करने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कि एक ट्वीट से ज़्यादा करने के बाद भी ये ट्रेंड पर नहीं आ रहा था, ठीक है, वो ट्रेंड पर आ रहा था 17 सितंबर वो बेरोजगार दिवस वाला, ठीक है। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि इसको थोड़ा ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करने के लिए आपके पास पाठशाला रेलवे एग्जाम जो चैनल है, पाठशाला रेलवे एग्जाम, इसमें प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलती हैं शाम को 4 बजे से और 7 बजे से आपकी क्लासेस की टाइमिंग होती है। दोनों क्लासेस को जरूर देखिए, मजा आएगी आपको। सारी की सारी अपडेटेड प्लेलिस्ट इस चैनल के उस पर पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट का अध्ययन करिए, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। पढ़ाई मत छोड़िएगा, डरिएगा नहीं, मिलते हैं फिर से आपसे इसी प्रकार के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।